तो आज है गुरुवार और है एक्सपायरी का दिन, और क्रेडिट पॉलिसी भी आने वाली है आरबीआई की, तो लगता है कि कुछ उसमें चेंजेस नहीं होंगे जो रेपो रेट हुए और रिवर्स रेपो रेट है उसमें। तो ये मेरा वर्कशॉप है शेयर मार्केट ट्रेडिंग का, वाराणसी में, डिटेल नोट कर सकते हो। तो आज एक T20 मैच आप देखने को मिलेगा कॉलबुट की, बहुत दिन बाद मैंने ऐसी ट्रेडिंग कर ली, ठीक है। बहुत बहुत सालों का दोस्तों अनुभव है कॉल और पुट में। प्राइस डीके की जो प्रॉब्लम है उसे मैंने अवॉइड कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो 12,100 का ये पुट है, मैंने जल्दी से क्वांटिटी यहाँ पे मैं अभी सेट कर रहा हूँ मार्केट पे ही। तो बाय का बटन दबाया है, 225 क्वांटिटी ₹19.90 में ले लिए मैंने 9:29 को, आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आया इस ट्रेडिंग में, आप ये पूरी देखोगे तो समझ में आएगा किस तरह से कैसे काम करना पड़ता है। तो हर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं पहले लॉस में होता हूँ फिर मैं प्रॉफिट में आता हूँ। आज मैंने सब में जितने भी ट्रेड मैंने आज किए सब ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही है, आप ये देख सकते हो, सिर्फ एक ही ट्रेड में लॉस है। तो दोस्तों मैं यहाँ से 2-2 रुपये का ही टारगेट रखूँगा, यहाँ पर देख सकते हो 21.90, तो थोड़ी देर में आ सकता है। ओके, यहाँ पर अभी देख सकते हो 21.90 किसके आसपास ही चल रहा है, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर रुपीस से ऑलमोस्ट फ्लैट है और ग्लोबल मार्केट बहुत ही सपोर्टिव है। देख सकते हो 21.90 में यह सेल हो चुका है 9:31 को, बहुत टाइम नहीं लगा। और आप अभी ये देखा आपने लाइव में, ₹19 से नीचे भी नहीं गया। तो यही चीज़ है दोस्तों सीखने की, ₹450 का प्रॉफिट ले लिया मैंने। इसमें कितना ब्रोकरेज लगेगा वो आपको मैं बाद में दूसरी वीडियो में अभी बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लगता, ये जो प्रॉफिट मिला है उसमें जो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है, 60 से 70 रुपये का ही ब्रोकरेज लगता है एक ही ऑर्डर में। ऑप्शन की बात करें तो अगर 150 क्वांटिटी से 225 क्वांटिटी हो तो की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं दोस्तों दूसरा ट्रेड यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, 12,100 का कॉल, ठीक है। अभी 150 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली, पहले मैंने पुट में दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी मैं कॉल ले रहा हूँ। तो ले लिया 150 क्वांटिटी 2 लॉट, देख सकते हो एवरेज प्राइस ₹48.58। तो आज दोस्तों मैंने कोई भी एवरेज नहीं किए, आप यहाँ पे देख सकते हो एक भी एवरेज यहाँ को आज के दिन देखने को नहीं मिलेगी, लॉस देखने को नहीं मिलेगा आपको। 150 क्वांटिटी और एक ही मेरे अकाउंट में ही मैंने ट्रेड किया है, अभी आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों 2 लॉट को मैं काम अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने कॉल के जो बाई की है उसकी मैं अभी सेल का जो प्राइस है वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ₹51.50 मैंने कर दिया है, ₹51.50। तो कुछ ना कुछ मैं साइड में न्यूज़ भी देख रहा हूँ टीवी में, आपको बता दूँ। टोटली दोस्तों फंडामेंटली मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी चार्ट देख देख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी ये ट्रेड सब T20 मैच यहाँ पे चल रही है कॉल पुट की। तो पुट में दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी कॉल ओपन है देख सकते हो। बहुत ज़्यादा में लंबा टारगेट नहीं है, 51.50 आ चुका है, ₹51.50 150 क्वांटिटी में। तो दोस्तों 888 का मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है कॉल और पुट में दोनों मिला के। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैं 1200-1500 क्वांटिटी में काम करता हूँ, आज मैं ऐसा नहीं करने वाला, आज एक फोकस ट्रेड में कर रहा हूँ, परफेक्ट ट्रेडिंग में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो ट्रेड दोस्तों आपने सोचा कि कैसे मिला के, तो चाइना यूएस का अभी अभी न्यूज़ आया है CNBC आवाज़ में कि वो टैरिफ रेट है वो घटाएंगे और समझौता कर सकते हैं, तो मार्केट में उछल आया और 12,150 की ओर बढ़ चुका है। तो ये जो अभी आपने जो लेटेस्ट ट्रेड देखा कॉल का, वो ये जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे मैंने लिया है, वो अब मैं अब यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों न्यूज़ चैनल देखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो बताते कि ये सेल ले लो ये सेल ले लो उसको ही अवॉइड कीजिए, बाकी दूसरा जो डेटा है वो बहुत काम का होता है। तो देखो हर एक का नज़रिया अलग होता है, कौन क्या देखता है, मैं क्या देखता हूँ न्यूज़ चैनल में CNBC आवाज़ हो या जी बिजनेस, तो मैं क्या देखता हूँ आप क्या देखते हो, वो हर किसी का नज़रिया अलग होता है। कोई है वो उनकी टिप्स पे भरोसा करेंगे, मैं नहीं करता हूँ। मैं दूसरा जो चीज़ है एडवांस डिक्लाइन है, डॉलर रुपीस है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या ग्लोबल में क्या हो रहा है, तो मैं उस तरीके से मेरा नज़रिया न्यूज़ बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, आप ये देख सकते हो जो यूएस चाइना की न्यूज़ आई, फिर देखो चार्ट में निफ्टी में कितना ये मूव दिया है ऊपर की ओर, अभी 55 चल रहा है वहाँ पे, जो 12,100 का जो कॉल है वो
मैंने 51 में निकाला था, अभी चल रहा है 55। तो ये जो मैं चीज़ आपको जो समझाने जा रहा हूँ, तो आज की मेरी वीडियो में कहीं भी आपको एवरेज नहीं देखने को मिलेगी। मैंने और एक बार 1200 का मैंने यहाँ पे पुट लिया हुआ है, देख सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर में जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका ऐलान हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 12120 पे चल रहा है निफ्टी, तो लगता है थोड़ी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। 375 क्वांटिटी दोस्तों मैंने ली है यहाँ पे 20 रुपये और 29 पैसे में, 12100 का पुट, 375 क्वांटिटी ओपन है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में। तो अभी उसी के आसपास 20 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो लाइव में। ओके, तो अभी यहाँ पे 20 रुपये 29 में दोस्तों मैंने बाय किया है। अभी आप देख सकते हो 21/60 आ चुका है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्जिट का ऑर्डर में यहाँ पे लगा रहा हूँ 21 रुपये, और यहाँ पे 90 पैसे में दोस्तों ये मैंने सेल कर दिया है 10:13 को। तो देख सकते हो 10/5 को मैंने लिया था, 10:13 को मैंने निकाल दिया है 375 क्वांटिटी 21 रुपये 90 पैसे में। तो 80/20 का मैच यहाँ पे चल रहा है कॉल पुट का, देख सकते हो यहाँ पे 6 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1500 रुपये का इसमें मेरा अभी प्रॉफिट दोस्तों मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है 1492 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कॉल और पुट में ट्रेडिंग में मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में हैंगसेंग की बात करें तो 600 पॉइंट पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर की बात करें तो भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट पॉजिटिव है, तो वीकनेस कहीं नहीं है। लेकिन आज एक्सपायरी है और RBI की क्रेडिट पॉलिसी है, वो देख के ऊपर नीचे का बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा, इसीलिए काम करने में थोड़ा मजा आ सकता है। अभी 12100 का पुट मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जल्दी से 750 क्वांटिटी यानी 10 लॉट को मैं बाय करूँगा। अभी 24 रुपया यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि 12100 पे आ चुका है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप देख सकते हो 12100 का ये स्पॉट प्राइस, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, 85 का जो लेवल है वो वहाँ टच कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ये पुट लिया है, यहाँ भी मैं बहुत लंबा नहीं रुकूंगा, मैं पहले बता दूँ। तो 750 क्वांटिटी दोस्तों यानी 10 लॉट मैंने ले चुका हूँ मैं अभी, 12100 का ये पुट, और प्राइस है दोस्तों अराउंड 25 रुपया 24.96, टाइम देख सकते हो 10:54। अभी 11:45 को RBI की क्रेडिट पॉलिसी है वो अनाउंस होने वाली है, तो उससे पहले एक कॉशियस व्यू है, थोड़ा प्रेशर इसमें रह सकता है कि क्या होगा मार्केट में। अभी 3000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मैं यहाँ से एग्जिट का अभी दोस्तों ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं जल्दी से, आप देख सकते हो यहाँ पे 750 क्वांटिटी मैं यहाँ पे अभी प्राइस सेट कर रहा हूँ सेल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी थोड़ा मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, 28 यहाँ पे दोस्तों मैंने सेट की है, और 12100 का लेवल है निफ्टी ने तोड़ दिया है, आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में अभी। तो 28 का दोस्तों यहाँ पे मैंने प्राइस है वो सेल करने के लिए प्लेस कर चुका हूँ। तो मैंने इसमें बड़ी क्वांटिटी क्यों ली, क्योंकि ये अभी क्रेडिट पॉलिसी ऐलान होने के पहले जो प्रेशर रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 लॉट को बाय किया, अदरवाइज मैं 2 लॉट 3 लॉट में ही काम करता हूँ। तो देख सकते हो 93 पे आ चुका है, जैसे कि उम्मीद थी मेरी 27 का प्राइस आ चुका है, मैंने कहीं भी एवरेज नहीं किए, आप देख सकते हो अभी 5 मिनट हो चुके हैं ये मेरे पुट को बाय किए हुए। तो मेरा जो व्यू है वो फोकस होता है, इसीलिए मैं कॉल पुट कर लेता हूँ। अगर आप फोकस के बिना, सोचे समझे बिना काम करोगे तो इसमें लॉस हो सकता है। मैंने 30 पे रखा है दोस्तों, एक बार जाके आया, अभी सिर्फ 10 पैसा बाकी है और मैं मिस कर गया। ठीक है दोस्तों, 29.90 मैंने देखा था, अभी आप देख सकते हो साइड में 10 पैसे से दोस्तों मिस कर गया हूँ मैं। अभी लगता नहीं यहाँ पे नहीं टच होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, चलो मार्केट पे निकलना पड़ेगा अभी। ओके चलो, तो भाव एक थोड़ा 750 रुपये का इसमें भी मुझे कम प्रॉफिट मिला, 28.71 में निकला है, और प्राइस अभी नीचे जा चुकी है, 26.27 चल रही है, देख सकते हो लाइव में। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, राउंड फिगर जल्दी नहीं आता, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि 10-20 पैसा नीचे का टारगेट कम रखिए आप, हमेशा राउंड फिगर पे एग्जीक्यूटर नहीं होता है। वो अभी आपने देख लिया मेरी लाइव ट्रेडिंग में, मैं मिस कर गया हूँ 10 पैसे से, 4300 रुपये का मैंने दोस्तों प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है, आप ये देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में। यहाँ पे मैं क्लॉक लगाऊंगा अभी,
देख सकते हो यहाँ पे मैं क्लॉक अभी सेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको देखने को मिले कि कितने बजे ये अभी जो आगे के जो ट्रेड है वो कितने बजे होते हैं। ठीक है, तो 11:45 को RBI की क्रेडिट पॉलिसी है वो ऐलान होगी। तो अभी ये 4,300 का प्रॉफिट आप देख सकते हो, अभी मैंने बुक कर लिया है और अभी 12,094 के आसपास ये झूल रहा है निफ्टी है वो बहुत, और अभी 90 पे आ चुका है। तो ये चार्ट में देख सकते हो ये जो गिरावट है, इसीलिए मैंने पुट बाई किया था, इसके पीछे का जो रीज़न था। और क्रेडिट पॉलिसी के पहले एक मार्केट में प्रेशर रहता है, इसीलिए तो चार्ट में क्लियरली यहाँ पे वीकनेस शो कर रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट को देख के लगता है कि वापस से 12,000 और 150 का जो लेवल है वो निफ्टी टच कर सकता है वहाँ तक, और वहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं वो बात की बात है अभी, वो पता नहीं मुझे भी। अभी ये 28 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 12,100 का पुट, जो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। अभी देख सकते हो मैंने जो बोला था कि 12,088 पे आ चुका है, जो कि नीचे का इसका लेवल है। तो हैंगसेंग का मार्केट दोस्तों देख सकते हो 750 पॉइंट पॉजिटिव है आफ्टर लंच ब्रेक, ज़्यादा बढ़त आई और भी जो अप मूव है वो कंटिन्यू हुआ, सस्टेन हुई है जो तेज़ी है वो, तो इसलिए निफ्टी में शॉर्ट करने को मन नहीं हो रहा है अभी। हैंगसेंग का मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, टीवी में भी दिखाते हैं और मैं भी हर वीडियो में मैं कहता रहता हूँ कि इसे भी फॉलो कीजिए, लेकिन अपने ग्लोबल इवेंट है उसे भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी 12,096 निफ्टी है देख सकते हो यहाँ पे, और क्लॉक में देख सकते हो अभी टाइम जस्ट अभी 1 मिनट में जो पॉलिसी है वो अनाउंस होने वाली है। तो दोस्तों पॉलिसी में कुछ नहीं निकला है देख सकते हो यहाँ पे, पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, कोई भी बदलाव नहीं किया, तो मार्केट निफ्टी अचानक से मूव करेगा ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो 12,100 का एक कॉल है, मैं जस्ट लेने की सोच रहा हूँ। अभी अभी न्यूज़ आई है टीवी में, मैंने देखा अभी CNBC आवाज़ में, तो मैं जल्दी से मैं लूँगा यहाँ भी एक मैं प्ले कर लूँगा। ठीक है, अभी 38 पे आ चुका है, तो यहाँ पे 38 और 95 में यानी अराउंड 39 रुपीज़ में 300 क्वांटिटी मैंने बाई की है, अभी आ गया है 240 रुपये पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खासी बढ़त आ चुकी है, क्योंकि पॉलिसी में कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। तो चलो इसको मैं अभी सेट कर रहा हूँ, सेल कर दूंगा मार्केट पे ही। ओके चलो, तो अभी देखते हैं। अच्छा, थोड़ा नीचे सेल हुआ 43.53 पैसे में, 43 रुपीज़ 53 पैसे में ये यहाँ पे सेल हुआ। तो टाइम देख सकते हो बहुत ही 30 सेकंड में दोस्तों ये ट्रेड है मेरा, ओनली 30 सेकंड, 30 सेकंड में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत ही फास्ट, 5,600 रुपये का प्रॉफिट। कहीं भी दोस्तों आपने देखा एवरेज मैंने नहीं की, कहीं भी लॉस आपको अभी तक नहीं दिखा, 5,600 तक का मैंने यहाँ बैलेंस बना लिया है आज के दिन प्रॉफिट में। देखता हूँ अभी आगे क्या कर पाता हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों, अभी इनफ है मेरे लिए इतना प्रॉफिट। लेकिन अभी चलो एक दो और ट्रेड में ढूंढता हूँ अभी। तो 46 पे आ चुका है जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं, थोड़ी देर और मैंने होल्ड किया होता तो मेरा जो व्यू है, फोकस है, वो हमेशा सही जाता है। ठीक है, तो यही इसे कोई एक्सपीरियंस बोलते हैं दोस्तों, अगर बिना सोचे समझे करोगे तो ये बहुत ही लॉस कॉल पुट दे सकता है, बहुत ही रिस्की है, वो भी आपको भूलना नहीं चाहिए। अब ये 12,100 का एक कॉल में ले रहा हूँ अभी, 150 क्वांटिटी, और यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं कौन से प्राइस पे लिया जाए। ओके, 49 में ये बाय हुआ है देख सकते हो, 11:54 को 49 रुपीज़, और अभी ये चल रहा है 52 रुपीज़ के अराउंड। तो मैं यहाँ से भी दोस्तों एग्जिट कर जाऊँगा, देख सकते हो 52, 150 क्वांटिटी कम लिए मैंने, 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक क्लियर व्यू है मेरा, अभी 53 आ चुका है, मैं यहाँ पे 55 कर दूंगा, 55 रुपये, थोड़ी देर में टच हो सकता है, देख सकते हो 55 भी आ चुका दोस्तों। टाइम देख सकते हो बहुत ही ऑलमोस्ट 1 मिनट से भी कम समय में ये ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है, 150 क्वांटिटी, और अभी वापस से 55 को टच करके अभी 53 पे आ चुका है देख सकते हो। तो इसी को ट्रेडिंग दोस्तों बोलते हैं, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता, 6 महीने में ऐसी स्किल आपको नहीं आएंगी। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप बिगिनर हो तो, कि आप मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए एडवाइस है, अगर आप बिगिनर हो तो 1 मिनट से भी कम समय में ये भी ट्रेड ख़त्म हो गया, पहले इसके पहले का ट्रेड 30 सेकंड में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर कॉल पुट में काम करना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पागलों के जैसे चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई सेंस नहीं है,
और कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें कॉल पुट में काम नहीं करता है, वो ध्यान रखिए। 6,500 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों बुक कर लिया है। तो कॉल और पुट ऐसे पागलों की तरह चलते हैं कि कभी कभी दिमाग फिरा देते हैं, हमारा घुमा देते हैं। तो अभी फुटसी देख सकते हो 49, के अकॉर्ड एक्स भी पॉजिटिव, और चार्ट में देख सकते हो ऊपर टच होकर उसी लेवल से गिरा है 150 से, थोड़ी रिट्रेसमेंट नीचे की ओर दे रहा है और 150 के आसपास अभी ये रिट्रेस करेगा थोड़ी देर। 12,100 का एक कॉल है, देख सकते हो 55 रुपये चल रहा है, 150 क्वांटिटी में यहाँ पे अभी सोच रहा हूँ ले लूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मार्केट पे ही इसको अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ, अगर ये ऊपर जाने लगे, क्योंकि चार्ट में लग रहा है कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, ये न्यूज़ बेस नहीं है इसीलिए लगता है थोड़ा ट्रेड है वो थोड़ा रिस्की हो चुका है मेरा, क्योंकि 50 के ऊपर नहीं निकला तो इसमें रिस्क बन सकता है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, 56, क्योंकि बैंक निफ्टी को देख के लगता है कि 1% ऊपर है, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है 57.78। दोस्तों एक यही ट्रेड है आज के दिन, ये गलत हो गया मेरा, थोड़ी ये बाइंग है ऊपर चली गई, ऊपर ले लिया है मैंने, यहाँ पे 150 क्वांटिटी 57.78, 12:42 लाइव टाइम यहाँ पे देख सकते हो आप, 12,150 के आसपास ये निफ्टी झूल रहा है, तो लगता है इसमें मुझे अभी प्रॉफिट नहीं होगा। मैं दोस्तों यहाँ पे सोच रहा हूँ इसका जो सेल का जो ऑर्डर है मैं लगा रहा हूँ 62, लगता नहीं आएगा क्योंकि निफ्टी 12,150 के ऊपर अभी फेल हो चुका है जाने के लिए, वापस से 47 आ चुका है। तो दोस्तों मैं पुट भी लूँगा और मैं वो जो कॉल है उसको निकाल दूँगा, एक मैं स्टॉप लॉस रखूँगा 51 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। तो 225 क्वांटिटी दोस्तों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हैंगसेंग का मार्केट ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शो कर रहा है, थोड़ा ही गिर रहा है, बाकी है तो पॉजिटिव। तो 225 क्वांटिटी मैंने दोस्तों ले ली है पुट की 52 रुपीज़ 75 पैसे में, आप देख सकते हो लाइव में 52 रुपीज़ 75 पैसा। तो कॉल और पुट दोनों ओपन है अभी अभी के लिए। तो 150 क्वांटिटी इसमें मुझे स्टिक स्टॉप लॉस में लगाऊंगा 51 का और मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और निफ्टी 12,130 तक जा सकता है। तो कोई कॉल और पुट दोनों ओपन है, दोनों की फाइट यहाँ पे चल रही है, देखते हैं कौन जीतता है इसमें से, ये दोनों में से। तो पुट में अभी थोड़ा लॉस है और कॉल का जो प्राइस है मेरी बाइंग है वो थोड़े ऊपर के लेवल पे हो चुकी है 58 के करीब, अभी चल रहा है 54, एक बार जाके आया देख सकते हो कॉल का जो प्राइस है वो 60 रुपये के करीब, लेकिन मैं वहाँ पे एग्जिट मैंने नहीं किया था। ओके, तो दोस्तों कॉल को मैंने निकाल दिया है। ठीक है, एक ही ऑर्डर में मैंने इसमें लॉस लिया, बहुत ही कम है, शायद 600 रुपये के करीब का लॉस। तो जो पहले का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे शो हो रहा है 1,700 रुपये 12,100 के कॉल में। अभी 225 क्वांटिटी यहाँ पे ओपन है, 12,200 के जो पुट है 150 क्वांटिटी कॉल की मैंने निकल दी है। तो दोस्तों ये बहुत ही जल्दी ऊपर आ चुका है, देख सकते हो निफ्टी गिर रहा है, मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा मार्केट पे ही, 65 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों 52 में लिया था 225 क्वांटिटी, 65 चल रहा है देख सकते हो, 64 और 75 में ये सेल हुआ है 13:11 को। तो आपने देखा कितना अच्छा इसमें भी मैंने मूव लिया। तो दोस्तों सारे जो ट्रेड थे वो प्रॉफिटेबल थे, सिर्फ एक ही ट्रेड में मैंने लॉस लिया 600 रुपये का। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो 12,100 का जो कॉल है मैंने 51 में मैंने बोला था मैं निकल दूंगा, वो मेरा स्टॉप लॉस है। और ये पुट का ये प्राइस है देख सकते हो 225 क्वांटिटी 52.75 में लिया, 64.75 में मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट मिला अराउंड 12 रुपये का। तो 12 रुपीज़ × 225 क्वांटिटी यानी 3 लॉट, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। अभी देखेंगे कितना टोटल प्रॉफिट मेरा यहाँ पे हुआ है। तो 61 का प्राइस आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अगर कॉल पुट में काम करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, इसमें बहुत ही नॉलेज चाहिए। 8,265 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। और टाइम देख सकते हो अभी 1:15 है, दो बार पुट में काम किया और एक कॉल में काम किया है, 12,200 का पुट 1,200 का पुट। ठीक है, और 1,200 का एक कॉल है। तो ये चार्ट देख सकते हो, मैं अभी
थोड़ा विंडो को छोटा किया है क्योंकि रिकॉर्ड में दिखा सकूँ मेरी लाइव ट्रेडिंग। ये मैंने रिफ्रेश करके दिखा दिया है आपको पेज को, और ये टोटल मेरे ऑर्डर है। तो दोस्तों ब्रोकरेज की चिंता नहीं करनी चाहिए अगर अपना व्यू है वो एक परफेक्ट हो। और ये मेरा प्रॉफिट, मैंने पेज को दोस्तों रिफ्रेश करके दिखा दिया है, आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में। और एक लॉक, और ये निफ्टी का स्पॉट लेवल और कॉल पुट की ये प्राइस, और ये मेरा जो टोटल प्रॉफिट आज के दिन का। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और शेयर भी कीजिए। एंजल में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके क्लिक कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।